मॉर्निंग क्लास थर्ड ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर सिक्सटी सिक्स तो बच्चा पेज नंबर सिक्सटी सिक्स में आज हम करेंगे शॉर्ट्स फॉर्म तो यहाँ पे देखिए ज्वाइन टू वर्ड्स ऑन द सेल्स आपको सेल्स में टू वर्ड्स दे रखे हैं आपने किस प्रकार से इनको जॉइन करके शॉर्ट्स फॉर्म बनाने हैं ही इज शी इज वी आर दे विल शॉर्ट में लिखेंगे आप ही अपेस्टॉपिक एस शी एपेस्ट्रॉपिक एस सीज वी अपेस्टॉपिक आर ई डे, अपेस्टॉपिक डबल एल तो वी कैन ज्वाइन टू वर्ड्स टू मेक अ शॉर्ट फॉर्म वी कैन यूज अपेस्टॉपिक एंड रिमूव अ लेटर और समथिंग टू लेटर टू मेक अ शॉर्ट फॉर्म किस प्रकार से हम अपेस्टॉपिक का यूज करके हमने शॉर्ट फॉर्म बना दिया आई एम का एम ही इस आर का दे अब देखिए अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है यहाँ पे आपको शॉर्ट्स फॉर्म को लर्न करना है यानी कि शॉर्ट्स फॉर्म किस प्रकार से होती है ये आपने पहले भी कर रखा है अब शॉर्ट्स फॉर्म विद नॉट जहाँ पे नॉट होगा तो कैसे हो जाएंगे जैसे कै नॉट का हो जाएगा कांड आर नॉट का आर एंड इज नॉट का जन्ट शेल नॉट का हैव नॉट का डिड शांड है डिडन्ट विल नॉट का वॉन्ट डज नॉट का डजन डो नॉट का डॉन्ट तो आप इसको लर्न करिएगा आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पे Uh, कुछ एक्स एक्सरसाइज है वो आप अभी अपनी बुक में ही फिल करेंगे उसके बाद अपनी नोटबुक में करेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है दे आर गोइंग टू स्विम तो दे आर को हमने शॉर्ट में लिख दिया दे अपेस्ट आर ई गोइंग टू स्विम शी इज नॉट हैप्पी टूडे तो शी इजंट इज नॉट का क्या हो जाएगा इज इजंट हैप्पी टूडे आई विल गो टू मीट माई फ्रेंड तो आई Apostrophic double L go to meet my friend. Fourth, they have not seen the Redford. They haven't have seen the Redford. They haven't seen the Redford. Fifth, she cannot lift a heavy bag. She cannot she can't lift a heavy bag. She cannot go can't me short form. I shall not read. I shan't read. शेल नोट को शार्ट में चेंज कर दिया ही डज नॉट नो तो ही डजेंट नो इट इज़ नॉट अ पॉसिबल इट इजेंट पॉसिबल तो किस प्रकार से हमने जो इनको शॉर्ट फॉर्म्स में चेंज कर लिए हैं और अभी आप बुक में अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करिएगा उसके बाद हम अपनी नोटबुक में करेंगे अब यहाँ पे जैसे आपके पास एक सेंटेंस uh, की दो सेट है तो आपको uh, आपको टिक कर निशान लगाना है कि कौन सा सही है वी डैश डबल एल आई डबल एल वॉच द मैच इन द स्टेडियम तो पहला वाला गलत है वी एपस्ट्रॉपिक एल वॉच द मैच द स्टेडियम तो सेकेंड वाला राइट है फिर सेकेंड वाले में दे आर प्लेइंग तो सेकेंड का बी वाला दे आर प्लेइंग द मैच ऑफ द सीजन थर्ड वाले का थर्ड वाले का भी बी सही है यू आर एंड टेलिंग मी ट्रुथ फोर्थ वाले का फोर्थ वाले का ए i have told का ये देखिए i i apostopic फिर we told you truth फिफ्थ वाले का i didn't क्या होगा i didn't ये वाला i didn't swim did not का क्या हो जाता है शॉर्ट में didn't okay फिर six i am eight years old तो i am ये वाला नहीं होगा इसका भी सिक्स वाले का be होगा i apostopic am 8 years old तो ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में ही करेंगे अभी टेक्स्ट उसके बाद हम अपनी नोटबुक में करेंगे यहाँ पे एक फ़न एक्टिविटी है ये आप खुद से करेंगे कि आपको शॉर्ट फॉर्म आए या नहीं आए तो आप करके देखेगा आंसर द क्वेश्चन इन यस और नो यस और नो में आपको क्वेश्चन देनी है और शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करना है जैसे है इज़ बैनी रूम एंड क्या बैनी का रूम एंड टाइडी देखो दिख रहा है आपको तो आप, के, आपने क्या लिख दिया आंसर यस yes करके यस इट्स इट्स एंड सेकेंड आर द टॉइस कैप्ट ऑन द सेल्फ जो खिलौने हैं वो सेल्फ़ में थे तो आप लिखोगे नो इट्स नॉट कैप्ट ऑन द सेल्फ़ तो ये एक्टिविटी ये जो एक्सरसाइज है आप खुद करिएगा देखिएगा कि आपको आती है या नहीं आती है आपको केवल यस नो में आंसर देना है और बाकी आपको शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना है और जो इसके बाकी एक्सरसाइज हमने अपने टेक्स्ट में की थी उसके बाद हम अपनी नोटबुक में करेंगे